नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 MCQ टाइप के क्वेश्चन पे। और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि हम जो क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं अपने इस वीडियो में, वो अपने कम्युनिटी टैब में हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, और उन क्वेश्चन को अपने वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए आज के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 135 का 25% होगा, ओके, यानी कि 25% ऑफ 135 विल बी। और देखिए, पहला ऑप्शन आपका था कि 33.33, सेकेंड था 33.57, थर्ड ऑप्शन था 33.75, और फोर्थ ऑप्शन था 35.57। तो देखिए, 57% लोगों ने सेलेक्ट किया ऑप्शन वन, और 43% लोगों ने सेलेक्ट किया ऑप्शन थर्ड। तो चलिए, अच्छी बात कि आप सेकेंड और फोर्थ को नहीं सेलेक्ट किए। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि मेजोरिटी जिस पे ज़्यादा मतलब अपना वोट दी वो था पहला, और फ्रेंड्स कम वोट जिसको मिला वो था चौथा। तो अफसोस के साथ हम बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हम यही चाहते हैं फ्रेंड कि एक एक क्वेश्चंस हम अपने वीडियो में ऐसा डालते रहें ताकि धीरे 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 आप मैथ्स पे आपकी पकड़ थोड़ा मजबूत हो जाए। तो देखिए, हम सबकी बात नहीं करते, क्योंकि 25% ऐसे हैं जिसका मैथ्स बैकग्राउंड था और वो अपना ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके आंसर दे देते हैं। लेकिन 85% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका बैकग्राउंड मैथ नहीं होता है। स्टूडेंट जो होते हैं उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, वो हाई स्कूल तक तो मैथ लेके चलते हैं लेकिन आगे वो ड्रॉप कर देते हैं, और इतने सालों के गैप के बाद जो पीजी क्वालिफाई करते हैं फिर उनको देना पड़ता है मैथ पे क्वेश्चंस, मैथ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अब तो न्यू सिलेबस आ गया, DI के 5 क्वेश्चन और कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस, ओके, टाइम गैप, इन सब चीज़ों पे पूछने वाला है। तो आपको लगता है 8 से 9 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से जुड़ा रहेगा, तो आप बिल्कुल इसको मत छोड़िए। इन्हीं सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस में लाना है ताकि आपका GRF अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, नेट बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्रैक कर जाएँ। तो फ्रेंड देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका है। जब कभी भी पूछा जाए कि 135 का 25% या 100 का 5% या 500 का 0.25%, तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ आपका करना है कि जब पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 135 का 20% कितना होगा, तो बस 135 इंटू आपको 25 करना है, ओके। आपका कितना आएगा, आपका आएगा 33, ओके, 75। सिर्फ आपको कैलकुलेट कर देना है, कुछ भी पूछे आपको कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आपका ये। लेकिन आपका परसेंट पूछा जा रहा है, और परसेंट क्या होता है, परसेंट मतलब 100%। तो आपको 100 से इसको आपको भाग दे देना है। भाग क्या देना है, आपको बस करना है, डिवाइड भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 अंक छोड़ के आपको क्या लगा है? पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो कितना हो गया, 33.75। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब यहाँ उल्टा कर दिया जाए, ओके, कि 25 का 135% क्या होगा, तो क्या करेंगे, फिर भी आपको वही चीज़ कैलकुलेट करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और 100 से आपको डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, डिवाइड वाइड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जब प्रतिशत पूछे तो दो आपका दो दो डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। आपका नंबर आएगा, जैसे मान ली 125, मान ली 125 क्वेश्चन आपके पास नंबर आया, बस दो नंबर पीछे से आपको छोड़ के पॉइंट लगा देना है, बस आपका ये परसेंट में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ गया 33.75, ओके। तो चलिए, इन सब चीज़ों पे आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज के वीडियो का, जो है 27 नंबर का। पूछा गया है, आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, ओके, देयर वेयर स्कूल ऑफ इंडियन मेथड लाइक एनी
नाउ डेज रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन था आपका आश्रम, बक्तव, गुरुकुल, ओके, ये सब चीज़ें दी गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए गुरुकुल दो बार कर दिया गया है, ओके, गुरुकुल दो बार हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन लोगों ने 72% ने थर्ड को दिया और 13% ने आपको फोर्थ को दिया, तो ये दोनों लोग करेक्ट हैं, ओके। और देखिए जो आश्रम मकतब कह रहे हैं फ्रेंड्स, नहीं बिल्कुल नहीं, आश्रम तो छोड़ ही दीजिए, आश्रम नहीं है, ओके। और मकतब, आश्रम की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका स्कूल्स की बात हो रही है। और देखिए अब मकतब जब है तो मकतब हम कह रहे हैं फ्रेंड, देखिए जो आपका इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर बहुत पुराना है, ओके। जैसे कि हम नहीं कहते कि जो इस्लामिक कल्चर नया है, तो देखिए इस्लाम कल्चर क्या था ना कि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं था। आपके जो स्कूल्स अगर पुराने की बात करें, वहाँ पे मकतब या मदरसे इन सब चीज़ों पर अगर बात करें, तो ये अगर आपके कहें तो गल्फ कंट्री की तरफ वहाँ पे के लिए जायज़ होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डाला गया था, पूछा गया था कि भारतीय पद्धति के स्कूल, तो भारतीय पद्धति के स्कूलों में आपके अगर प्रीवियस टाइम में जाएं तो वहाँ पे गुरुकुल आश्रम ही होते, गुरुकुल होते थे, सॉरी गुरुकुल ही होते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यानी कि 28, आईसीटी के उपयोग को प्रभावित करता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अफेक्ट द यूज ऑफ आईसीटी। ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट था आपका छात्र विषय ज्ञान, ओके, छात्र का विषय ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, फिर उसके बाद था आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, उसके बाद था आपका बिहेवियर ऑफ टीचर, उसके बाद था लास्ट इसमें से कोई नन ऑफ दीज। तो आप लोग जो यहाँ पे 67% ने दिया कि सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ओके, उसके बाद आपने दिया सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर 26% ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मेजोरिटी हार रही है, क्योंकि 67% जो कह रहे हैं ये भैया ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसीटी के उपयोग को प्रभावित करता है। भैया आईसीटी का उपयोग कौन करता है, आईसीटी का उपयोग बच्चे नहीं करते हैं, आईसीटी का उपयोग टीचर करता है, और टीचर आईसीटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे को सिखाता है। तो बच्चे ही कहाँ से आईसीटी का उपयोग करने लगे, बच्चे थोड़ी चलाने लगेंगे आईसीटी के, जितने भी टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें आ रहे हैं बच्चे नहीं चलाते हैं, बच्चों को सहायता किया जाता है आईसीटी के थ्रू, बच्चों को और भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रभावित तरीके से उपयोग में लाया जाता है आईसीटी। आईसीटी क्या है, आईसीटी क्या है, आज की टेक्नोलॉजी, ओके, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है एजुकेशन के फील्ड में जब हम यूज करते हैं वो आईसीटी के अंतर्गत आ रही है, चाहे स्मार्ट क्लास हो गया, ओके, चाहे आपका प्रोजेक्टर हो गया, चाहे आपके कंप्यूटर के बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं बहुत बेहतर तरीके से वो स्टडी में शामिल किए जाते हैं, तो वो सभी चीज़ आईसीटी के हैं। तो क्या होता है वहाँ पे शिक्षक का विषय ज्ञान जो होता है ना वो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट का बेहतर ज्ञान नहीं होगा तब तक आईसीटी का वो प्रयोग कैसे कर पाएगा। आईसीटी, अच्छा मान लीजिए आपको बेहतर से बेहतर हम प्रोजेक्टर प्रोवाइड कर दिए क्लास में, ओके, अब प्रोजेक्टर लेके करेंगे क्या आप, आपके पास नॉलेज ही नहीं हो सब्जेक्ट का, तो प्रोजेक्टर पे मान लीजिए आपके प्रोजेक्टर पे पीपीटी पीपीटी चला दिया गया, ओके, अब पीपीटी का प्रेजेंटेशन आपको देना है, ओके, बेहतर तरीके से क्लास को ऑर्गेनाइज करना है, अब बच्चों को समझाना है पीपीटी के माध्यम से, तो आप कैसे चला पाएंगे, आप चला तो लेंगे लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे देंगे। तो सिर्फ आईसीटी से उपयोग नहीं होता है, सिर्फ आईसीटी से क्लास आपका बेहतर तरीके से नहीं चल जाएगा, आपका नॉलेज आईसीटी को बेहतर से बेहतर उपयोग में लाता है, ओके। तो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है ना, तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन है यही 26%, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे सर वहाँ पे ओपिनियन मिल गया था, वहाँ पे तो दिख रहा था कि इतने लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट पे आंसर दे दिया है, तो यहाँ लाने की क्या जरूरत है, यही जरूरी था, मेरा मेरा एम यही पे था। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी बातों में हम उलझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29,
ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए पहला था आपका रिलीजियस एजुकेशन, सेकेंड था आपका टीचर्स टीचिंग यानी अध्यापकों के उपदेशों की, थर्ड था आपका महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, और आपका चौथा था अध्यापकों के आदर्श चरित्र की। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इस पे जब आप लोगों ने ओपिनियन दिया तो देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कहा अध्यापक के आदर्श चरित्र की। हाँ जी फ्रेंड्स यही होगा। और यहाँ पे जो 6% और 12% यानी कि 18% लोगों ने जो दिया फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है एक स्टूडेंट जब होता है तो उसका रोल मॉडल होता है उसका टीचर। सबसे ज़्यादा क्लास में बच्चे टच में रहते हैं तो किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर के साथ। लेकिन फ्रेंड्स तो अपने होते हैं ओके, उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है जितना कि टीचर का पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्लास की समय की अगर बात करें तो टीचर उनका रोल मॉडल होता है। टीचर जैसा बेहतर से बेहतर होता है बच्चे उतना अच्छे तरीके से उसको पसंद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं ओके। आपके सामने टीचर एक टीवी की तरह चलता रहता है, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो बच्चे के सामने क्या होता है, किसी को अगर देखते हैं वो बार बार तो वैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं ओके। तो अगर टीचर के चरित्र निर्माण की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है यानी कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वो अध्यापक के चरित्र की होती है ओके। क्योंकि देखिए मोस्टली आपके जॉब होते हैं वहाँ पे देखिए कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर बेहतर है तो फ्रेंड्स उसके बाद नॉलेज बेहतर होना ज़रूरी है। लेकिन नॉलेज ही बेहतर होके क्या होगा, जब आपका कैरेक्टर ना सही हो तो आप कितनी देर तक टिके रहेंगे कहीं पे? फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता ओके। तो चलिए अब बातें ख़त्म करते हैं, यहाँ पे बात यही करेंगे कि अध्यापक के चरित्र की जितना ही टीचर का कैरेक्टर आइडियल होगा ओके उतना ही स्टूडेंट के ऊपर प्रभावित करेगा, और चाहे वो बुरा ही हो तो वो बुरा भी प्रभावित करेगा ओके। तो अध्यापक के चरित्र का यहाँ पे जो ऑप्शन था ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट है आपका आज के वीडियो का क्वेश्चन, वो है MOOC इज ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखिए 84% ने दिया कि ऑनलाइन। तो हम कहना चाहते हैं कि जो 8% ये दो लोग मतलब दो ऑप्शन पे सेलेक्ट किए थे 16% लोगों ने, ये लोग गलत हो गए। यहाँ पे ऑनलाइन ही कोर्स है क्योंकि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले आपको ये रट्टा मारना है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOOC का फुल फॉर्म है। तो यहीं पे आपका आ जाता है ये ऑप्शन, कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप डिटेल में जाते हैं तो फ्रेंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है, ये एक ऐसा वेब पोर्टल है, ऑनलाइन व्यवस्था है जहाँ पे बहुत सारे मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट एक साथ यहाँ पे अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं ओके। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है यानी कि एक जगह नहीं होने के बावजूद भी इस माध्यम से बहुत सारे अनलिमिटेड मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे अपना कोर्सेज पूरा कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से ओके। तो फ्रेंड यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ रेगुलर मिलता ही होगा। तो फ्रेंड्स लाइक बनता है, अगर लाइक करेंगे तो फ्रेंड्स हम बेहतर से बेहतर नेक्स्ट वीडियो करते जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ओके फ्रेंड्स। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन फ्रेंड्स बहुत बहुत शुभ हो।